मोहाली में तलवार से वार कर युवती की हत्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। फतेहगढ़ साहिब की फतेहपुर गांव में शनिवार सुबह ऑफिस जा रही एक युवती को तलवार से काटकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान फेज 5 के कॉल सेंटर में काम करने वाली बलजिंदर कौर के रूप में हुई है। बलजिंदर कौर पर हमला उस वक्त किया गया जब वह अपने कुछ सहेलियों के साथ ऑफिस जा रही थी। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल के लिए ले जाया गया। आरोपी की पहचान समराला के रहने वाले सुखचैन सिंह के तौर पर हुई। घटना के संबंध में बताया गया कि फतेहपुर साहिब के गांव फतेहपुर जाटा की बलजिंदर कौर 9 साल से मोहाली में काम कर रही थी। वह हर रोज काम के लिए आना जाना किया करती थी। शनिवार को भी उनके पिता ने ही उसे बस में बैठाया था। इस घटना की सूचना मृतका के भाई को कंपनी के मैनेजर ने फोन कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस की माने तो बलजिंदर और सुखचैन एक दूसरे को कुछ समय से जानते थे। कुछ दिन पहले ये दोनों की किसी बात को लेकर बहस हुई थी। हालांकि इस बारे में मृतका के भाई का कहना है कि बलजिंदर ने कभी भी घर में किसी से भी उस लड़के के बारे में बात नहीं की है।